मालिका वर्णित मांडुकागिरी बनपड़िया आश्रम तीन दिन धरी विश्वशांति महाजज्ञ और मांडुकागिरी बानापड़िया आश्रम तीन दिन धरी विश्वशांति महाजज्ञ और प्रवचन पाठ पवित्र रामनवमी अवसर में उद्यापन हो गोकुलपुर स्थित आश्रम अनुष्ठित कार्यक्रम राज्य विभिन्न प्रांतर भक्त मैंने आगे दीर्घ 200 वर्षर इतिहास मांडुक पहाड़ अवस्थित यह आश्रम तीन दिन धरी भक्तिमय परिवेश सृष्टि होता आश्रम समस्त कर्मकर्ता तथा भक्त मान मिलित प्रयास विश्वशांति महाजज्ञ प्रवचन पाठ सुचारू रूपे शेष होता। मो ना श्री पंडित श्रीमद अरविंद पति बहुत पुरातन यज्ञ प्राय 200 वर्ष हम ये आश्रम आश्रम बाबा आम कुलमणि महाराज थे कुलमणि महाराज जीवापर तक अंत जीवानंद ब्रह्मचारी रे सी मठर आम रामचरित मानस विषय दक्षता तापर यज्ञ से भी आरंभ करते देहांत पर आमर ए तीन वर्ष होगा यज्ञ चली तीन वर्ष होगा पंडित मैंने आदि आत्म यज्ञ हो आग कलस अंकुरार्पण हो कलस अधिवास हो सूर्य पूजा गो पूजा गुरु पूजा तापर आमर चंडी गीता अष्ट आदश अध्याय गीता हवन हो चंडी में संपूर्ण आज आहुति का दिखाई पर्ण गीतार होता आज राम सहस्र नाम आहुति दिखाई हनुमान सहस्र परिमित आज आहुति दिखाई बहुत भक्त बालेश्वर राउरकेला कटक भुवनेश्वर चारिड़ भक्त मैंने आसती बहुत भक्त मानी अनुकंपा तथा आश्रम उत्तरतर ये आम जलुका मांडुका स्थल भी जे प्रमाण आमर अच्छी आम जो मालिकार अच्छी मांडुका स्थल ग्राम ये मांडुका स्थल यज्ञ हो पुरतन बहुत काल यज्ञ यज्ञ होता गच गोटे अच्छे से जो गच्छी बाबा करते शिष्य सी करते यज्ञ बहुत लोग समागम हो प्रवचन चली पंडित मैंने आसी रंजन पट्टनायक कौन कह आश्रम विषय कौन कह आश्रम सहित आम प्राय 10-12 वर्ष आश्रम सहित संश्लिष्ट ये पूर्व आचार्य जी थे स्वामी जीमारंद महाराज तक संस्पर्श में आम आस 1977 मसीहा 2019 मसीह महाप्रयाण होता आम को आश्रम दायित्व बुझाई आम को निर्देश दि जाए कौन आश्रम दैनदिन कौन रीतिनीति रही ये आश्रम हूँ श्री संप्रदायर आश्रम आप समझ जानते जगन्नाथ मंदिर जमी रामानुज आसी जगन्नाथ मंदिर अर्चना विधि श्री वैष्णव परंपरा मध्यम होते रामानुज आश्रम तैयारी करते पुरी में रामानुज एमआर मठ बड़ छता मठ से मठर आम पूर्व आचार्य मैंने सन्यास दीक्षा आनी ये प्रचार आरम्भ तेनालीटा हूँ चारिटा वैष्णव परंपरा कली युगर प्रधान दि जाए यह हूँ रामानुजन श्री संप्रदायर मठ तेनालीरें आम से परंपरा को आगे बढ़ावाई आम चेस्टा करा तो आध्यात्मिक कथा कि वर्तमान परिस्थिति जमापड़ी आध्यात्मिकता को बुझापी लोक मेरे बहुत अध्ययन आवश्यक रही अनेक लोक किसी सीधासख ज्ञान किसी ना लोक पाखे धैर्य भी ना से घोड़ा ग्रहण करने आम रिसर्च अनुसंधान करसर अनेक साधु संतों सहित आम कथबार्ता करापुर ये सिद्धांत पहुँची जो जो अवस्था लोक मैंने अच्छा से अवस्था कौन ज्ञान दरकार से चिंता करने पड़े सब मुख्य है जे माटीर उर्वरता माटीर उर्वरता ना जहाँ शस्य आसूसी से शस्य भी सब कंटामिनेटेड रोचे खाद्य आहरण करुच्चन जो मैंने तेनाली आहार शुद्धि ना कौन प्रकार आध्यात्मिक चिंता हो पार से भित्तिभूमि आमको चेष्टा करने पड़ो जो आहार शुद्धि जल शुद्धि तापर मैंने ईश्वर चिंतन हो पार तेनाली प्रकार मार्ग में गंगा जमुना सरस्वती गंगा है जो डायरेक्ट आम आध्यात्मिक संस्कृति विषय आम चेष्टा कर जमुना मार्ग है जे आम केमती जे लोक सहित जोड़ी हवा लोक जोड़ी हवा हाँ अर्थनैतिक ये दरकार तेनाली अर्थनीति क्षेत्र में भी सामने जदि उपरको न आसिले स्वावलम्बी ना कि गाँव में रहीकिर जब आर्थिक उन्नति ना तो भी एम्प्लॉयमेंट दरकार मन चाहे एम्प्लॉयमेंट दरकार समस्त गाँव रू बाहरी गले तेनाली आध्यात्मिक बुझे कि 14 शिवव्रत दास रिपोर्ट कामयाब टीवी।